गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रसवाड़ी में आपका अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम सेंट्रल मैटर पर उपस्थित आक्सीकरण की गणना किस प्रकार करते हैं, ठीक है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत, उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो उपसहसंयोजक यौगिकों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद बारे में अल्फर्ड वर्नर की संरचना के बारे में बताया था, इसीलिए इस सिद्धांत को वर्नर सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। संरचना के बारे में, तो संरचना के बारे में बताता है, ठीक है। और उसने क्या बताया कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार की संयुक्तता दर्शाते हैं। कितने प्रकार की संयुक्तता दर्शाते हैं? दो टाइप्स की संयुक्तता दर्शाते हैं। पहली प्राथमिक संयुक्तता, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये प्राथमिक संयुक्तता आपकी ऑक्सीकरण को होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका सेंट्रल मेटल का, जो आपका सीएम होता है, सेंट्रल मेटल परमाणु होता है, उसका यदि ऑक्सीडेशन नंबर एक ही क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है। और प्राथमिक संयोजकता को जब संरचना में दर्शाया जाता है तो टूटी हुई लाइनों से दर्शाते हैं, डैश डैश करके, ठीक है। और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो आपने जो समन्वय संख्या निकाली है उसके बराबर होती है, समन्वय संख्या, या जिसको आप उपसहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। तो पहली जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो आपकी समन्वय संख्या होती है, मतलब जो लिगेंड्स की संख्या होती है, प्राथमिक लिगेंड या एक दंतु जो लिगेंड होते हैं उनकी संख्या ही क्या है, द्वितीयक संयोजकता होती है, ठीक है। इसको हम सीधी स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं। यदि आप मान लीजिए किसी भी उदाहरण लेना चाहें, कोई भी एक उदाहरण लेना चाहें, जैसे मैं आपको बताता हूं कि हम एक उदाहरण लेते हैं जिसकी संरचना के बारे में देखते हैं वर्नर सिद्धांत के आधार पर। तो मैं इनको बिठाता हूं यहां से पहले, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि इस सिद्धांत के अनुसार संयोजकता दो तरह की होती है। ये सिद्धांत बताता है पहली प्राथमिक संयोजकता, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, जो टूटी हुई लाइनों से दर्शाई जाती है। दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता, जो आपका क्या होती है, समन्वय संख्या भी होती है। ठीक है, जिसे स्ट्रेट सीधी लाइन से दर्शाते हैं। यदि अब आप एक उदाहरण लेना चाहें तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये आपका कोई उदाहरण है, ठीक है। तो इसकी संरचना अल्फर्ड वर्नर ने क्या बताता है, अल्फर्ड वर्नर बताता है कि इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है, यही कहें कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो तो कितनी है, देखो ये माइनस का तीन, इसको बैलेंस करने के लगा, अर्थात इस पर क्या हुआ होगा, तीन हुआ होगा, तो यहां पर तीन। और द्वितीयक जो संयोजकता है आपकी वो लिगेंड से संबंधित होती है, समन्वय संख्या, ये समन्वय संख्या है, एक दंतु लिगेंड की संख्या तो कितनी है, छह। तो यहाँ पर ये आपकी संयोजकता आ गई। यदि आप इनकी संरचना बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगी, ये आपका कोबाल्ट द्वितीयक संयोजकता छह है, तो यहाँ पर इस तरह की द्वितीयक संयोजकता को मैं सीधी लाइन से आपको दिखाया है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो स्ट्रेट लाइन से, इसलिए मैं यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता लिगेंड के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो इस तरह की होगी द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। अब उसके बाद प्राथमिक संयोजकता ये है, और प्राथमिक संयोजकता वो टूटी हुई लाइन से दर्शाते हैं ऐसे,
ये इसकी संरचना होगी, ठीक है ना, ये इसकी संरचना होगी, ये बताया था अल्फ्रेड बिन्ने ने, फिर अल्फ्रेड बर्नर, अल्फ्रेड बर्नर ने बताया था, इसीलिए इसे अल्फ्रेड बर्नर का सिद्धांत कहते हैं, उपसेंसिटिव यौगिकों के लिए अल्फ्रेड बर्नर का सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, हम समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार की संयुक्त है, उपसेंसिटिव यौगिक दो प्रकार की संयुक्त है दर्शाते हैं, प्राथमिक संयुक्त है जो कि ऑक्सीकरणांक होता है केंद्रीय धातु परमाणु का, और द्वितीयक संयुक्त है जो कि समन्वय संख्या होती है, प्राथमिक संयुक्त लाइन से दर्शाते हैं और द्वितीयक संयुक्त एक स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं। इस प्रकार उपसेंसिटिव यौगिक की संरचना के बारे में ये बर्नर सिद्धांत बताता है, लेकिन निश्चित ज्यामिति नहीं बताता किस प्रकार की संरचना होगी, इसीलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया, निश्चित ज्यामिति नहीं बता रहा, इसलिए इसे क्या कर देगा, ये दोष होंगे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या देख लो, उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना के बारे में, संरचना के बारे में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बर्नर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयुक्तता दर्शाते हैं, दो प्रकार की संयुक्तता दर्शाती है, एक प्राथमिक संयोजकता या किसे बोलते हैं केंद्रीय धातु, ये इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंग किसका भाई, केंद्रीय धातु परमाणु का, ठीक है। इसे डैश 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 से टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। यह है आयनिक होती है, जो रणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, तीसरा यह है केंद्रीय धातु परमाणु
केंद्रीय धातु परमाणु के आक्सीकरण अंक के समतुल्य के बराबर होते हैं। के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका द्वितीयक संयोजकता जी, द्वितीयक संयोजकता इसे एक सीधी लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, यह है समन्वय संख्या के बराबर होती है। जो रणावेश या उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है, उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है। इनमें वो लिखेंगे यदि प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता एक साथ हो तो उसे रूटिंग लाइन और स्टेट लाइन द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये वर्ण सिद्धांत था कि दो संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता किससे दर्शाते हैं कैसे निकालते हैं, द्वितीयक संयोजकता किससे दर्शाते हैं कैसे निकालते हैं, और ये बिंदु हम इसमें दर्शाते हैं। वर्नर सिद्धांत भी पूछा जाता है, तो वर्नर सिद्धांत में हम ये बिंदु से लिखते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी का, एक उदाहरण मैंने आपको बताया था उसको एक साथ देख लेंगे, दूसरे एक साथ देख लेंगे। ठीक है ना, उदाहरण लेते हैं हम एक गान आपका ये है और एक गान लेते हैं हम ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो इसको वाल्व की बात करते हैं सेंट्रल मेटल की, तो यहाँ पर लिगेंड छह लगे हुए हैं, इसीलिए ये प्राथमिक सॉरी द्वितीयक संयोजकता है, क्योंकि लिगेंड्स जो होते हैं जो एक दंत लिगेंड होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, आपकी समन्वय संख्या कहलाती है, और समन्वय संख्या में हम क्या कह रहे हैं द्वितीयक संयोजक कह रहे हैं, तो द्वितीयक संयोजकता को हम सीधी लाइन से दर्शाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे छह जो लिगेंड्स हैं वो सीधी लाइन के द्वारा जुड़े होंगे कोबाल्ट से इस तरह। ठीक है, और तीन जो सी एल है ये इस सीओ की आक्सीकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं,
इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीकरण को, क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर धनात्मक चार्ज लगेगा, जो क्या होगा समन्वय मंडल पर पूरा चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टू की लाइन में दर्शा देंगे, Cl Cl और Cl, ठीक है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक तो लिगेंड जुड़ा हुआ है और एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है, ये वाला पार्ट है, वो इसके प्राथमिक संयोजकता को शो करेगा और द्वितीयक संयोजकता को, द्वितीयक संयोजकता शो करेगा क्योंकि इस जुड़ा हुआ डायरेक्ट लिगेंड है और यहाँ पर इस आवेश को भी डिफाइन करता है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो NS3 है वो तो पांच जुड़े हुए हैं डायरेक्ट द्वितीयक संयोजकता से, और जो Cl जुड़ा हुआ है दो वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, और एक जो Cl है वो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता, ये आपकी प्राथमिक संयोजकता, सॉरी द्वितीयक संयोजकता, ये आपकी प्राथमिक संयोजकता। इस प्रकार संरचना के बारे में बताता है बर्नर सिद्धांत, इसे बर्नर सिद्धांत कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों का बर्नर सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु बर्नर सिद्धांत के। दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? आयनिक होती है, प्राणावेश द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, ये वाली, ठीक है ना, जो प्राणावेशों से भी संतुष्ट हो सकती है और उदासीन परमाणुओं से भी संतुष्ट होती है, और इनको इस तरह दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ये है बर्नर सिद्धांत। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।